हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए बेहद आसान सा बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिर्फ एक सिलाई में ये डिज़ाइन बनता है। आप इसे लेडीज कार्डिगन, बेबी गर्ल फ्रॉक, जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बेहद आसान सा पैटर्न है जी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए। आप 3 के मल्टीपल के हिसाब से लीजिए या 6 के मल्टीपल के हिसाब से, ये पैटर्न दोनों साइड से सेट आएगा। देखिए जी, मैंने कैसे फंदे लिए हैं। 3+3, 3, 3, 3, ऐसे 3-3 फंदों का जोड़ लेकर पूरी रो में हमने लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं डिजाइन सेट करने के लिए, तो ये पैटर्न सेट आएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, बॉर्डर के बाद सीधी की ओर से हम अपना जे फर्स्ट रो शुरू करेंगे। फर्स्ट रो की पहली सिलाई में हमने क्या करना है, कि हमारे जितने भी फंदे होंगे सभी को हमने ऐसे सीधा सीधा बुनकर ही कंप्लीट करना है। बेहद आसान सा पैटर्न है जी, फटाफट बनने वाला। देखिए, अगर आप कोई 2 कलर का पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप मेरे मेन चैनल पर जाकर 2 कलर के डिजाइन देख सकते हैं। उस पर मैं सिर्फ 2 कलर डिजाइन ही अपलोड करती हूँ। देखिए, फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है, बैक साइड सेकेंड रो, बैक साइड से हमने क्या करना है, जितने भी हमारे फंदे हैं उनको हमने ऐसे पार्ल वाइज उल्टा उल्टा ही बनाते जाना है। पूरी रो हमने ऐसे उल्टे फंदों के साथ बनानी है। देखिए, 2 सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। टोटल 4 रो का डिजाइन है जी। 3 सिलाइयां इसकी सीधी उल्टी पड़ेंगी, सिर्फ 1 सिलाई में पैटर्न डलेगा। देखिए, अब ध्यान से देखना, डिजाइन वाली रो पहला फंदा हमने ऐसे सीधा बनाया, आपने जो उतारना नहीं है सीधा बनाना है। उसके बाद हम बुल को आगे लेकर आए। अब हमने 3 फंदों में पैटर्न बनाना है, 1, 2, 3। देखिए, अब 1, 2, 3, तीन फंदे लिए, तीनों को हमने ऐसे बैक लूप से सीधा बुना। अब फिर से हम इन्हें उतारेंगे नहीं, एक बार ऐसे बल दिया, फिर से हम इसको सीधा बुनेंगे। देखिए, 3 फंदों से हमने जो 3 फंदे निकाल लिए हैं, एक हमने जो जाली बनाई है, एक जाली 3 फंदे। अब फिर से हमने इन्हें ऐसे सिलाई पर लेना है। इन 3 फंदों को फिर से हमने एक साथ सीधा बुनना है। फिर से हम जहां पर एक जाली बनाएंगे, अब 3 फंदे सीधे। देखिए, इस फंदे को छोड़कर यही फंदे हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक जाली, 3 में से 3 फंदे निकाल कर फिर एक बनाया, उसके बाद फिर हमने जो जाली बनाई, 3 फंदे सीधे। फिर से जहाँ से हमारा जो पैटर्न रिपीट होगा, आगे लेकर आए, 1, 2, 3, 3 फंदे लिए, तीनों को हमने एक बार बुना, ऐसे बल दिया, एक बार फिर बुना। फिर से हमने लेफ्ट सिलाई पर लेकर इन तीनों का एक बना देना है। आगे लेकर आए एक जाली, 3 फंदे हमने फिर से सीधे बुने। फिर से वही करेंगे, आगे लेकर आए, 1, 2, 3, 3 फंदे लिए, तीनों को हमने एक बार बल दिया, 2 बार, 3 बार, तीनों को फिर से लेफ्ट सिलाई पर लेकर 3 का 1 बनाना है। आगे लेकर आए एक जाली, 3 फंदे सीधे। पूरी रो में हमने ऐसे ही करते जाना है। जो हम 3 का 1 बना रहे हैं, साथ में वही जाली के साथ हमारे दोनों फंदे
बढ़ रहे हैं, दोनों साइड हम एक एक जाली बना रहे हैं, तो हमारे फंदे पूरे आ रहे हैं। ऐसे लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बनाया। ये रो हमारी ऐसे कंप्लीट होती है। बैक साइड डिज़ाइन की लास्ट रो में हमने क्या करना है, इसके जितने भी फंदे होंगे हमने ऐसे पर्ल वाइज उल्टे ही बनाने हैं। इसकी जितनी भी सिलाइयाँ पड़ेंगी वो ऐसे उल्टी उल्टी ही पड़ेंगी बैक साइड से। मैं ऐसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए इन्हीं चार सिलाइयों को हम आगे आगे रिपीट करते जाएंगे तो ये पैटर्न ऐसे डलेगा। देखिए बेहद आसान सा पैटर्न है जी, आप इसे यार लेडीज गर्ल्स किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। फिर से हम जहां से अपनी फर्स्ट रो सीधी सीधी डालेंगे उल्टी साइड से उल्टी उल्टी, और थर्ड सिलाई में जो पैटर्न डलेगा। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।